Hello dear students, so today I am with a new topic again. In my last video I have discussed about blood and its composition. So in this video I am going to tell you in detail about types of blood cells. I have taken pictures here, so you can easily see here how many type of blood cells I told you earlier, that is RBC, WBC and platelets. Okay. So, RBC, I told you, red blood cells, also called erythrocytes. आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि एरिथ्रोसाइट्स का कैसा शेप होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता है या नहीं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइट का क्या फंक्शन है, कितने नंबर एरिथ्रोसाइट्स के प्रेजेंट होते हैं. एरिथ्रोसाइट की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो ये सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, और डिस्क लाइक शेप होता है इनका, और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नो न्यूक्लियस इज फाउंड, एंड दे कंटेन हीमोग्लोबिन. आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, दैट इज व्हाई दे आर रेड इन कलर. और इनका नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड 5 to 6 मिलियन, एंड इसका फंक्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से टिश्यूज में, और बहुत ही हेल्पफुल है ट्रांसपोर्टिंग CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. और इसके नंबर वेरी करेंगे फ्रॉम 4.5 टू 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. और जो इसका लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देने की बात है, इसका लाइफ स्पैन लगभग 4 मंथ्स होता है, और 120 डेज हम लोग बोल सकते हैं. और ये जो RBC है बनते हैं रेड बोन मैरो में, इनका फॉर्मेशन. अब हम लोग थोड़ा WBC के बारे में डिस्कस करते हैं. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो WBC होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. WBC की भी अगर बात करें ना, तो इनको हम लोगों ने 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, 5 टाइप्स हैं: बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. तो बेसिकली अगर WBC की बात की जाए तो WBC साइज में बड़े होते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, इररेगुलर भी होते हैं, और इनके पास अपना एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स. और इनका जो साइटोप्लाज्म है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कलरलेस होता है और विदाउट हीमोग्लोबिन होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, और ये हार्मफुल जर्म्स को किल करते हैं सारे के सारे. WBC सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेवल पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसके शेप से क्वेश्चन आते हैं कि कितने लोब्स होते हैं इसमें. तो मैं बता दूं आपको कि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट डिजीजेस और इन्फेक्शंस, एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू गिव इम्यूनिटी टू द बॉडी. एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन होते हैं, और इनके नंबर वैरी करते हैं, आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 5000 to 10000. डिफेंस और इम्यूनिटी इनका फंक्शन है. बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, 5 टाइप्स होते हैं. ओके. और इसकी अगर मैं बात करूँ इसके लाइफ स्पैन की, तो इसका लाइफ स्पैन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. और ये हमारे व्हाइट बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, और ये सभी हार्मफुल जर्म्स को किल करते हैं, उनको इंगल्फ कर लेते हैं. जितने भी जर्म्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ ब्लड वेसल्स हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस बोल सकते हैं. मैं फैगोसाइटोसिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही. और अगली बात हम लोग करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसको कि हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइट लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स. आप देख सकते हैं इनका फंक्शन कैसा है, ब्लड क्लॉटिंग है. इनके नंबर भी 2,50,000 से 4 लाख तक है, वेरी कर रहे हैं, एंड दे ऑफन फाउंड विदाउट न्यूक्लियस, एंड दे आर स्मॉल इन साइज, एज WBC आर लार्ज इन साइज एंड प्लेटलेट्स आर स्मॉल इन साइज, इररेगुलर शेप सेल्स दे आर. और उसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड दे हैव कलरलेस साइटोप्लाज्म विद डिस्टिंक्ट ग्रेन्यूल्स. सो और इनकी अगर बात करें इनके लाइफ स्पैन की, एरिथ्रोसाइट्स की, प्लेटलेट्स की, तो इनका जो लाइफ स्पैन है 6 to 8 डेज होता है स्टूडेंट्स. और फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स. हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा, आई होप वी विल मीट सून, और उसमें हम लोग जो टाइप ऑफ WBC इनका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे.
दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू फ्रेंड्स.